न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा में समाज सेवी ज्ञानेंद्र गौतम ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए कहा कि अपर कलेक्टर रीवा का अपील प्रकरण क्रमांक 194/2019-20 एवं अपील प्रकरण क्रमांक 195/2019-20 आदेश 6 जून 2020 का हवाला देकर जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के समक्ष 29 जुलाई 2020 को इस आशय की शिकायत दर्ज कराई कि फर्जीवाड़े का मुखिया सेवानिवृत्त शिक्षक बुद्धसेन पटेल निवासी दुबगवा, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज से शिक्षक पद में सेवानिवृत्त होकर अपनी स्वयं की पेंशन तो ले ही रहे थे और साथ में दूसरी पेंशन अवैध रूप से पत्नी शिक्षिका स्वर्गीय रमा देवी पटेल के फर्जी पति बनकर भी ले रहे थे, जबकि शिक्षिका स्वर्गीय रमा देवी पटेल की मृत्यु 9 अगस्त 1992 को शासकीय उच्चतर को शासकीय दुबगवा कुर्मियान मऊगंज में सहायक शिक्षिका रहते हुए हो गई थी। वहीं रमा देवी पटेल ने अपने विवाह से संबंधित प्रमाण शासकीय दस्तावेजों में बुद्धसेन पटेल के संबंध में नहीं दिया था। पेंशनर शिक्षक बुद्धसेन पटेल की पहली पत्नी की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी है, जिससे एक पुत्री कलावती पटेल है। इसका उल्लेख पुस्तिका में भी नहीं किया गया और उसकी दूसरी पत्नी लखेश्वरी पटेल से शादी की और अपनी सेवा पुस्तिका में बतौर नामिनी लखेश्वरी पटेल एवं उससे जन्मी संतानों का नाम दर्ज कराया। मतलब पहली पुस्तक में पत्नी का नाम छिपाया, उससे पैदा हुई बेटी कलावती पटेल का भी नाम छिपाया और फिर दूसरी पत्नी लखेश्वरी पटेल से शादी की और उससे हुई संतानों का सर्विस रिकॉर्ड में उल्लेख किया और फिर तीसरी पत्नी शिक्षिका रमा देवी पटेल को बनाया, जो कि कानून अनुवैध पत्नी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो तब सामने आया जब ये ज्ञात हुआ कि शिक्षिका रमा देवी पटेल के सर्विस रिकॉर्ड में नॉमिनी की जगह स्वयं पेंशनर शिक्षक फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बुद्धसेन पटेल का नाम दर्ज है, जिससे ये साफ हो गया कि वो अपनी पेंशन तो ले ही रहे हैं, साथ में रमा देवी पटेल की भी पेंशन ले रहे हैं, जो कि अब नहीं है। मतलब एक साथ दो दो अपराध कर रहे हैं, जो कि शासकीय निधि की खयानत भी है। मास्टरमाइंड का एक और मामला तब सामने आया जब ये पता चला कि शिक्षिका रमा देवी पटेल की मृत्यु के बाद ही उसे वैधानिक वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति लाभ न दिलाकर अपनी पुत्र वधु पार्वती पटेल को शिक्षिका के पद पे उसी विद्यालय में नियुक्ति करवा दी। इस तरह से बुद्धसेन पटेल के खिलाफ आपराधिक प्रकरण के साथ साथ शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी करने एवं शासकीय राशि में खयानत का भी मामला प्रमाणित किया गया है। इस मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी के सामने पूरे दस्तावेजों के साथ की गई। इसकी सूचना कलेक्टर रीवा और आर्थिक शाखा अपराध को भी दी गई, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी पटेल को बचाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग रीवा कलेक्टर से की गई थी और इस पर आनन-फानन में पिछली तारीख पर जांच कमेटी भी बनाई गई और एक हफ्ते बाद जानकारी दी गई। पत्र में ये उल्लेख किया गया कि जांच कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने के कारण 29 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी सहित दूसरों के खिलाफ मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर 2020 को कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और 8 नवंबर 2021 को संभागीय पेंशन अधिकार से भी शिकायत की गई, लेकिन जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षक के प्रभाव में आकर उसका खुलेआम बचाव कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि कार्रवाई नहीं की गई। कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वो सीएम से मुलाकात कर कोर्ट भी जाने के लिए मजबूर होंगे। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता समय ज्ञानेंद्र गौतम ने क्या कहा है। माध्यमिक विद्यालय मऊगंज से रिटायर हुए, वो दोहरी पेंशन ले रहे हैं। वो कई फर्जीवाड़े किए उन्होंने। पहला फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि पहली पत्नी का नाम अपने वो सर्विस में छुपाया, उससे उत्पन्न एक लड़की हुई उसका भी नाम उन्होंने सर्विस में नहीं दर्ज कराया। फिर उन्होंने दूसरी पत्नी से शादी किया, उसके जो भी औलाद हैं उनका सबका सर्विस में रिकॉर्ड कराया। फिर तीसरी एक उन्होंने जो महत्वपूर्ण फर्जीवाड़ा उन्होंने किया कि एक रमा देवी करके शिक्षिका की वो ख़त्म हो जाती तो उसकी भी पेंशन बुद्धसेन पटेल रिटायर्ड शिक्षक दुगमा मऊगंज दे रहे हैं। उसके में बारिश हो गई, मैंने उसको एक अवैध पत्नी के रूप में बनाया, जो हिंदू लॉ के मुताबिक कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दो पत्नी रख सके। पहली पत्नी का नाम छुपाया, उसके औलाद का नाम छुपाया और फिर तीसरी मतलब पत्नी रखा उसने। तीसरी पत्नी के उसमें नामनी हो गए और उसकी भी पेंशन ले रहे हैं, अपनी भी पेंशन ले रहे हैं। शादी हुई है क्या थी उनसे? नहीं, शादी नहीं हुई है। शादी का कहीं उल्लेख ही नहीं है सर्विस रूम में। जो भी रिकॉर्ड दस्तावेज हम एकत्र किए
उसमें कहीं उन्होंने शादी को उल्लेख नहीं किया कि अनुमति हम लिए हों शादी करने की, शादी नहीं की है। इसकी अभी तक शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? उसकी शिकायत मैंने जिला शिक्षा अधिकारी आधी कबाद शाखा रीवा, कलेक्टर रीवा, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, हर जगह मैंने इसकी शिकायत की। आश्वासन क्या मेरा? कुछ नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला कब का है? ये मामला मैं शिकायत किया हूँ 29/7/2020 को पहली बार में शिकायत। रिटायर ये हो गए हैं 2000 के डेट हमको नहीं पता है। आपके पास क्या दस्तावेज उपलब्ध हैं जिसके आधार पे आप? मेरे पास अपर कलेक्टर के दस्तावेज हैं जिन्होंने ये साबित हुआ कि इन्होंने अवैध पत्नी रमा देवी को रखा, उसकी पेंशन ले रहे हैं और उसमें अपने बहू को, इतना ही नहीं उसके करीबी को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए जिसमें अपनी बहू को उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति दिलवाया। जिसमें किसी और की भी साठगांठ हो सकती है अधिकारी? अब वो अधिकारी है ही हैं, मैं 2020 से इसकी शिकायत कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कार्रवाई नहीं होती अविलंब तो मैं CM से मिलने जा रहा हूँ, मिलूँगा और कोर्ट जाऊँगा और कोर्ट में सबको पार्टी बनाऊँगा। इतने लोगों को मैंने अपनी शिकायत पत्र दिया है क्योंकि ये मामला 2 साल से ऊपर हो रहा, कोई इसमें सब दाब के बैठे हुए हैं। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को